मेरे दुश्मन समझ रहे थे मैं अब कभी लौट के ना आऊंगा। एक गुमनामी का समुंदर है, उसमें ही जाके डूब जाऊंगा। अभी बाकी मेरी कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है। मुझे पहचानो, देखो मैं हूं कौन। बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार कहे जाने वाले शाहरुख खान ने हाल ही में अपनी फिल्म जवान के टीजर को रिलीज किया था। फिल्म के टीजर को फैंस ने खूब पसंद किया, इस पर रिएक्शन भी दिया था। शाहरुख खान के फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि लंबे वक्त के बाद वो बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं। उनकी साल 2023 में जवान, पठान और दंगी जैसी फिल्में रिलीज होने वाली है। इस बीच उनके फैंस के लिए एक और बड़ी खुशखबरी आ गई है। दरअसल मेकर शाहरुख खान की सुपरहिट फिल्म डॉन का तीसरा पार्ट लाने की तैयारी कर रहे हैं। इस बात का हिंट डॉन के प्रोड्यूसर रितेश सिद्धवानी ने दिया। रितेश सिद्धवानी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में फरहान अख्तर लैपटॉप पर काम करते नजर आ रहे हैं। इसके साथ उन्होंने लिखा है, 100% फोकस जब वो कुछ लिखते हैं, लंबे समय बाद राइटिंग में वापसी कर रहे हैं, बताइए वो क्या लिख रहे होंगे। वहीं रितेश सिद्धवानी की इस पोस्ट के बाद फैंस ने कयासबाजी करना शुरू कर दिया है। फैंस का मानना है कि फरहान अख्तर डॉन 3 की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। फैंस का कहना है कि रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर ने शाहरुख खान की फिल्म डॉन 3 की तैयारी शुरू भी कर दी है। शाहरुख खान के वर्क फ्रेंड की बात करें तो एटली की फिल्म जवान और सिद्धार्थ आनंद की फिल्म पठान और राजकुमार हिरानी की फिल्म दंकी में काम करते दिखाई देंगे। इसके साथ ही वो टाइगर 3, ब्रह्मास्त्र, लाल सिंह चड्ढा और रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट जैसी फिल्मों में कैमियो करते हुए नजर आएंगे। बताते चले कि शाहरुख खान रविवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस समय बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। शाहरुख खान से पहले कैटरीना कैफ, आदित्य रॉय कपूर, कार्तिक आर्यन कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप डॉन 3 के लिए एक्साइटेड हैं। कमेंट जरूर कर दें और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दें चैनल देखो देखो को।